زالت البغي طالت فأين عهد الحواس نذود بأمنا أبات نذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعادي Episode 5. बिस्मिल्लाह। थोड़ी देर बाद महल्ले के हर घर में मिर्जा हुसैन बेग के मुतालिक इस किस्म की बातें हो रही थी। मिर्जा हुसैन बेग को किसी नजूमी ने बताया था कि मरहटे तुम्हारे महल्ले पर हमला करेंगे। उसने ख्वाब में देखा था कि डाकू उसके घर में घुस आए हैं। हुसैन बेग एक सीधा साधा आदमी है और मोहम्मद अली के लड़के ने उसे बेवकूफ बनाया है। रात के वक्त फतह की खुशी में महल्ले की हर गली में चिराग जलाए जा रहे थे। जगत सेठ के महल्ले में आतिशबाजी जलाई जा रही थी। हुसैन बेग के महल्ले में भी चिरागा हो रहा था। बाजारों और गलियों में चहल पहल थी। मुअज्जम अली इशा की नमाज के बाद अपने मकान की छत पर बैठा गुज़िश्ता चंद दिन के वाकयात पर गौर कर रहा था। जमाल खान नीचे सहन में अपनी खाट पर बैठा हुआ था। अचानक मुअज्जम अली को गली में शोर सुनाई दिया और उसने ऊपर से आवाज दी, साबिर साबिर। जमाल खान ने जवाब दिया, जी साबिर अभी बाहर गया है। मुअज्जम अली ने कहा, अच्छा तुम जाकर देखो बाहर क्या हो रहा है। जमाल खान भाग कर बाहर निकला लेकिन चंद मिनट तक वापस न आया तो मुअज्जम अली नीचे उतर आया और जब वो बाहर निकला तो जमाल खान और साबिर वापस आते दिखाई दिए। जमाल खान ने कहा, जी कुछ नहीं, महल्ले के चंद लड़के साबिर के साथ लड़ रहे थे, मैं पहुंचा तो वो भाग गए। क्या बात थी साबिर? साबिर ने जवाब दिया, जी वो आपका मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने मिर्जा साहब के मुतालिक भी बहुत वाहियात बात की। वो कहते थे कि आपने लोगों को बेवकूफ बनाया था और मिर्जा साहब के साथ किसी नजूमी ने मजाक किया था। इन बातों पर मुझे गुस्सा आ गया। मैं जानता हूँ जो कुछ उन्होंने कहा होगा। तुम्हें चोट तो नहीं आई? जी नहीं, जरा नकसीर फूट गई है, लेकिन मैंने दो लड़कों को खूब पीटा। बहुत बुरा किया तुमने, बड़ों को बच्चों के साथ नहीं लड़ना चाहिए। जनाब वो बच्चे कहाँ थे? एक तो मुझसे भी आधा बालिश्त ऊंचा था। अच्छा अब आराम करो और आइंदा अगर कोई मुझे कुछ कहे तो तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। अगले दिन आसमान पर बादल छा रहे थे। मुअज्जम अली सुबह का नाश्ता करके एक किताब पढ़ने में मसरूफ हो गया। 10 बजे के करीब हुसैन बेग का नौकर आया और उसने इत्तला दी कि मिर्जा साहब आपको याद करते हैं। मुअज्जम अली महल में पहुंचा, हुसैन बेग दीवान खाने के बरामदे में बैठा हुआ था। उसने मुअज्जम अली को देखते ही कहा, आओ बेटा मैं अभी शाही महल के नाजिम और मुर्शिदाबाद के फौजदार से मिलकर आया हूँ, फतह की खबर दुरुस्त है। हमारी अफवाज ने कटवे पर दोबारा कब्जा कर लिया है। मरहटों ने शहर खाली करने से पहले कटवे और आस पास की बस्तियों में खुराक के तमाम जखीरे तबाह कर दिए थे। लोग भूखे मर रहे हैं और फौज का सामान रसद भी खत्म हो चुका है। आज मुर्शिदाबाद से अनाज भेजा जा रहा है। मरहटे भारी नुकसान उठाने के बाद कटवे से चंद मील पीछे हट गए हैं, लेकिन अभी यकीन के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि वो वापस चले जाएंगे या कोई और महाज तलाश करेंगे। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि मुर्शिदाबाद को अब कोई खतरा नहीं। तुम्हें महल्ले के तर्ज अमल से परेशान नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि वो घरों में बैठकर हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमने अपना फर्ज अदा किया है। लोग बकते रहेंगे, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं फौज के वापस जाने पर भी अपनी हवेली के दिफाई इंतजामात बेहतर बनाने का काम जारी रखूंगा। बरसात के बाद बैरूनी फसील की मरम्मत की जाएगी और अंदरूनी दीवार को गिराकर असरे नौ तामीर किया जाएगा और ये सारा काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। मुअज्जम अली ने कहा, चचा जान मैं लोगों के तर्ज अमल से परेशान नहीं हूँ और मेरे नजदीक मुर्शिदाबाद का खतरा कम नहीं हुआ। कटवे से फरार होने के बाद मरहटे ये सोच रहे होंगे कि बंगाल का कौन सा शहर ऐसा है जिस पर वो आसानी से कब्जा कर सकते हैं और जहां से उन्हें ज्यादा से ज्यादा माल गनीमत मिल सकता है। और मैं ये सोच रहा हूं कि अब उनका हदफ मीदनापुर
یا کٹک ہوگا یا وہ مرشد آباد کا رخ کریں گے۔ ان کے لیے مرشد آباد پہنچنا نسبتاً مشکل ہوگا، لیکن اگر انہوں نے مرشد آباد کی دولت کا دوسرے شہروں سے مقابلہ کیا تو وہ مشکلات کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حسین بیگ نے کہا، مرشد آباد کی دفاعی حالت اتنی کمزور نہیں، فوج اگرچہ یہاں کافی نہیں لیکن اتنی کمزور نہیں کہ بیرونی حملہ آور کو ایک دو دن بھی روک نہ سکے۔ پھر علی وردی خان اتنا نادان نہیں کہ مرشد آباد کو خطرے میں دیکھ کر کٹوے میں بیٹھا رہے۔ اگر مرہٹوں نے اس طرف کا رخ کیا تو علی وردی خان ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہاں پہنچ جائے گا۔ معظم علی نے کہا، اور یہی بات ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، دشمن کو اگر مرشد آباد کا رخ کرنے میں کسی فائدے کی امید نہ ہو تو بھی وہ صرف علی وردی خان کی توجہ دوسرے محاذ پر مبذول کرنے کے لیے چند دستے مرشد آباد کی طرف روانہ کر سکتا ہے۔ دارالحکومت کو خطرے میں دیکھ کر علی وردی خان ایک لمحے کے لیے بھی کٹوے میں ٹھہرنا گوارا نہیں کریں گے۔ بے شک ان کے یہاں پہنچ جانے سے مرہٹوں کا بھاگ جانا یقینی ہے، لیکن مرہٹوں کی باقی فوج کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر میدنا پور پر قبضہ کر لے گی اور اس کے بعد بردوان کا سارا علاقہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ حسین بیگ نے دل برداشتہ ہو کر کہا، تو پھر علی وردی خان کو کیا کرنا چاہیے؟ تمہارا خیال ہے اگر مرہٹوں کا کوئی لشکر مرشد آباد پہنچ جائے تو اسے ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں چچا جان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی وردی خان کے سالاروں نے اسے صحیح مشورہ دیا تو اس فتح کے بعد مرہٹوں کو کسی اور محاذ کا رخ کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ میرے خیال میں یہی چند دن ایسے ہیں جب مرہٹوں پر ضرب کاری لگائی جا سکتی ہے۔ حسین بیگ نے کہا، اچھا بتاؤ اگر تم علی وردی خان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ معظم علی مسکرایا اور اس نے قدر توقف کے بعد کہا، میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو اس فتح کے بعد ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کا تعاقب جاری رکھتا۔ میں کٹوے میں پڑاؤ ڈال کر مرشد آباد اور دوسرے شہروں سے سامان رسد کا انتظام کرنے کے بجائے اپنے بھوکے سپاہیوں سے یہ کہتا کہ ہمارے پاس رسد کی کمی ہے لیکن ہم مرہٹوں سے اناج کے وہ ذخیرے چھین سکتے ہیں جو انہوں نے اس علاقے کو لوٹ کر جمع کیے ہیں۔ اس صورت میں مرہٹوں کے سامنے صرف اپنی جانیں بچانے کا مسئلہ ہوتا۔ مرہٹے کسی منظم فوج کے سپاہی نہیں، صرف لٹیرے ہیں۔ ان کی گزشتہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک محاذ سے نقصان اٹھانے کے بعد جوابی حملے کے لیے ہمیشہ کوئی نیا محاذ تلاش کرتے ہیں۔ اگر ان کا مد مقابل چوکس ہو تو وہ تیاری کا موقع حاصل کرنے کے لیے صلح کی بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان پر یلغار کا وقت ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اس وقت کٹوے میں فتح کا جشن منایا جا رہا ہوگا، انعامات اور خلعتیں تقسیم ہو رہی ہوں گی اور مرہٹے چند میل دور اپنے پڑاؤ میں کسی نئے محاذ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ پھر رسد کا سامان پہنچے گا، سپاہی اور افسر چند دن خوشیاں منائیں گے، پھر جنگ کی تیاری ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنڈت بھاسکر نے صلح کی بات چیت شروع کر دی ہو اور جس دن یہ بات چیت ختم ہو علی وردی خان کو یہ اطلاع ملے کہ مرہٹوں کی فوج کا ایک حصہ کٹوے سے 50 یا 100 کوس دور ہمارے کسی اور علاقے یا شہر میں لوٹ مار شروع کر چکا ہے۔ مجھے علی وردی خان کے سپاہیانہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے، لیکن میں ایک حکمران کی سیاسی مصلحتوں سے ڈرتا ہوں۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو آج بنگال کی فوجیں کٹوے سے کوسوں دور مرہٹوں کا تعاقب کر رہی ہوتی۔ ان کی رسد، ان کے بارود اور ان کی توپیں ہمارے قبضے میں ہوتی۔ پنڈت بھاسکر اگر صلح کے لیے ایلچی بھیجتا تو میں یہ جواب دیتا کہ صلح کی بات چیت صرف بنگال کی سرحدوں سے باہر ہو سکتی ہیں۔ حسین بیگ نے کہا، لیکن میر مدن علی وردی خان کے ساتھ ہے اور تم ہمیشہ یہ کہا کرتے ہو کہ وہ ایک حقیقت پسند سپاہی ہے۔ معظم علی نے جواب دیا، وہ یقیناً ہماری فوج کے تمام جرنیلوں سے زیادہ دور اندیش ہیں، لیکن میدان جنگ سے باہر علی وردی خان کے نزدیک ایسے لوگوں کی اہمیت عام طور پر کم ہو جاتی ہے۔ دربار میں وہ میر جعفر اور دلب رام جیسے خوشامدیوں اور جی حضوریوں کی باتیں زیادہ غور سے سنتے ہیں۔ حسین بیگ نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، ہاں معظم، آج صبح چند آدمی بندوقیں واپس کرنے آئے تھے، لیکن میں نے انہیں یہ کہا
कि जब तक फौज वापस नहीं आती ये तुम्हारे पास अमानत रहेगी। तुम भी यही चाहते थे ना? जी हाँ, लेकिन अब तुम्हारे रजाकार परेड के लिए आना तो शायद पसंद न करें। परेड की अब जरूरत नहीं, वो इब्तदाई तरबियत हासिल कर चुके हैं। अब सिर्फ रात के वक्त महल्ले में पहरा देने की जरूरत है। फतह की खबर सुनने के बाद ऐसी बातों से लोगों की दिलचस्पी जरा कम हो गई है, लेकिन दो चार दिन बाद वो फिर संजीदगी के साथ मेरी बातें सुनने लग जाएंगे। शाम के वक्त बारिश हो रही थी। मुर्शिदाबाद के कायम मकाम फौजदार के यहाँ शहर के चंद रवूसा और सरकारी अहदेदारों की दावत थी। जब मेहमान एक कुशादा कमरे में दस्तरखान पर बैठ गए तो किसी ने फौजदार से मिर्जा हुसैन बेग की गैर हाजिरी की वजह दरियाफ्त की। फौजदार ने जवाब दिया, उनका पैगाम आया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। एक शख्स ने कहा, जनाब मिर्जा साहब आजकल यूं भी अपनी हवेली से बाहर नहीं निकलते। दूसरा बोला, भाई जब घर में काम हो तो बाहर निकलने की क्या जरूरत है, मिर्जा साहब आजकल बहुत मसरूफ हैं। आप उनकी हवेली के अंदर जाकर देखें तो हैरान रह जाएंगे। एक और आदमी फौजदार से मुखातिब होकर बोला, जनाब अगर आप मिर्जा साहब को ये यकीन दिलाते कि अब मुर्शिदाबाद को कोई खतरा नहीं तो वो जरूर तशरीफ लाते। फौजदार ने कोई जवाब न दिया, लेकिन उसके मेहमान अपनी अपनी बसात के मुताबिक मिर्जा हुसैन बेग पर भपतियां कस रहे थे। शहर के एक ताजिर ने कहा, मैंने सुना है कि वो अपने महल्ले के लोगों को रात भर सोने नहीं देते। मुर्शिदाबाद का कोतवाल बोला, मिर्जा साहब एक सीधे साधे बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके महल्ले का एक नौजवान उनके साथ दिल लगी कर रहा है। पिछले दिनों मैं उनके महल्ले से गुजर रहा था, बांस से भरे हुए कई छकड़े उनके महल्ले के अंदर दाखिल हो रहे थे। मैंने एक आदमी से पूछा तो मालूम हुआ कि मिर्जा साहब अंदर मोर्चे बना रहे हैं। बांस के मोर्चे? एक मीरजादे ने कहा, आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा। जी नहीं, आप मिर्जा साहब की हवेली देखें तो हैरान रह जाएंगे। थोड़ी देर बाद हुसैन बेग इस महफिल की गुफ्तगू का वाहिद मौजू बन चुका था और करीबन हर शख्स इस गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने की कोशिश कर रहा था। फौजदार एक संजीदा आदमी था और उसे ये बातें नागवार महसूस हो रही थीं। वो कुछ देर खामोश रहा, लेकिन जब मेहमान ज्यादा बेतकल्लुफ होकर हुसैन बेग का मजाक उड़ाने लगे तो उसने कहा, मिर्जा साहब हमारे बुजुर्ग हैं और मैं ये पसंद नहीं करता कि इस महफिल में उन्हें मौजूए बहस बनाया जाए। एक उम्र रसीदा आदमी ने कहा, जनाब मिर्जा साहब का हम सब एहतराम करते हैं, लेकिन बांसों से मोर्चे तामीर करने की बात मेरी समझ में नहीं आती। भला बांस गोली रोक सकते हैं? फौजदार ने जवाब दिया, बांस गोली नहीं रोक सकते, लेकिन गोली चलाने वालों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैंने खुद मिर्जा साहब की हवेली के दफाई इंतजाम देखे हैं और वहां मुझे कोई बात मजहका खेज नजर नहीं आई। उनका महल्ला शहर से बाहर है, लेकिन मुझे यकीन है कि खतरे के वक्त इस महल्ले के लोग शहर के लोगों की निस्बत कम महफूज नहीं होंगे। एक नौकर तेजी से कदम उठाता हुआ फौजदार के करीब पहुंचा और उसने झुककर उसके कान में कुछ कहा। फौजदार ने दस्तरखान से उठते हुए मेहमानों की तरफ देखा और कहा, आप इत्मीनान से खाना खाएं, मैं अभी आता हूं। फौजदार कमरे से बाहर निकला तो बारामदे में एक फौजी अफसर खड़ा था। उसने सलाम के बाद कहा, जनाब माफ कीजिए, मैंने आपको बेवक्त तकलीफ दी है, लेकिन खबर बहुत तशवीशनाक है। मरहटों की एक फौज यलगार करती हुई मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ रही है। फौजदार ने अपनी परेशानी पर काबू पाते हुए कहा, यह खबर कौन लाया है? अभी रास्ते की एक चौकी का कमांडर यहां पहुंचा है और वो ये कहता है कि पिछली चौकियों के सिपाहियों ने डाक घोड़ों पर यह खबर उस तक पहुंचाई है। मैंने तस्दीक के लिए सिपाहियों का एक दस्ता रवाना कर दिया है। और खबर लाने वाला कहाँ है? जी मैं उसे महल के नाजिम के पास छोड़ आया हूँ, वो थकावट से निढाल है। उसने सुबह से लेकर शाम तक लगातार सफर किया है और रास्ते में कई घोड़े तब्दील किए हैं। वो कहता है, जब मैं अपनी चौकी से रवाना हुआ था तो मरहटे सिर्फ एक मंजिल पीछे थे और अब यहाँ से शायद वो दो तीन मंजिल दूर रह गए होंगे। अच्छा मैं अभी आता हूँ, तुम जाकर शहर में मुनादी करवा दो। अफसर ने सलाम किया
और तेजी से कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। फौजदार दोबारा मेहमानों के कमरे में दाखिल हुआ। किसी ने सवाल किया, जनाब क्या बात थी? फौजदार ने दस्तरखान पर बैठते हुए कहा, कुछ नहीं, एक सरकारी काम था, आप इत्मीनान से खाना खाएं। लेकिन मेहमान खाने से ज्यादा फौजदार के चेहरे के उतार चढ़ाव का मुताला कर रहे थे। खाने से फारिग होकर फौजदार दस्तरखान से उठा और उसने कहा, हजरात मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन आप आराम से बातें करें, बाहर बारिश हो रही है। एक मीरजादे ने सवाल किया, आप इस बारिश में कहाँ जा रहे हैं? फौजदार ने जवाब दिया, एक सिपाही को बारिश में चलने का आदि बनना पड़ता है। मुझे अभी खबर मिली है कि मरहटों का लश्कर मुर्शिदाबाद का रुख कर रहा है। मजलिस पर सन्नाटा छा गया और हाजरीन बदहवास होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फौजदार ने कहा, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, वो अभी यहाँ से कई मंजिल दूर हैं। अगर उन्होंने इंतहाई कोशिश की तो भी कल सुबह या दोपहर से पहले यहाँ नहीं पहुंचेंगे। फौजदार बाहर निकल गया। चंद सानिये बाद मौजिज मेहमानों की अफरा तफरी का ये आलम था कि उनके लिए अपने जूते पहचानना मुश्किल था। कोई अपने जूतों के बजाय किसी और के जूते पहनने की कोशिश कर रहा था, कोई बदहवासी की हालत में दाएं पांव के जूते में बायां और बाएं पांव के जूते में दायां पांव डाल रहा था, फिर मकान से निकलने के बाद उनमें से अक्सर बरसों के बाद पहली बार भागने की मशक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मुर्शिदाबाद के हर गली कूचे में मरहटों की पेशकदमी की खबर मशहूर हो चुकी थी। मिर्जा हुसैन बेग के महल्ले की औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान मूसलाधार बारिश में उसकी हवेली का रुख कर रहे थे। एक साथ के अंदर अंदर रिहायशी मकान की निचली मंजिल और दीवान खाने के कमरों और बरामदों में तल धरने की जगह न थी। बाज लोग अफरा तफरी के आलम में बारिश से बचने के लिए चार दीवारियों से बाहर गल्ले और चारे के गोदामों, नौकरों की कोठरियों और घोड़ों के अस्तबल में पनाह ले रहे थे। मुअज्जम अली महल्ले की गलियों के नाके देखने और पहरेदारों को जरूरी हिदायत देने के बाद पानी और कचरे से लथपथ हवेली में दाखिल हुआ। डेवड़ी के अंदर मशालें जल रही थीं और हुसैन बेग चंद आदमियों के दरमियान खड़ा था। हुसैन बेग ने मुअज्जम अली की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल किया, फौजदार की तरफ से कोई जवाब आया है? मुअज्जम अली ने कहा, आप अंदर जाकर आराम करें, मैं गलियों के तमाम नाके देख आया हूँ, हमारे इंतजाम बहुत तसल्ली बख्श हैं। हुसैन बेग ने कहा, अगर आज रात इस घर की चार दीवारी के अंदर कोई आराम कर सके तो मैं ये कहूंगा कि वो महशर के दिन भी इत्मीनान की नींद सो सकेगा। जरा जाकर देखो, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि इंसान इतना शोर मचा सकते हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि रुए जमीन के तमाम हंगामे मेरे घर की चार दीवारी के अंदर जमा हो गए हैं। हर शख्स अपने पूरे खानदान को एक ही कमरे के अंदर देखना चाहता है। मैंने मर्दों को औरतों से अलग करने की कोशिश की है, लेकिन वो एक दरवाजे से निकलते हैं और दूसरे दरवाजे से फिर वहीं पहुंच जाते हैं। मुअज्जम अली ने कहा, चचा जान मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आधे घंटे के बाद आप किसी की आवाज नहीं सुनेंगे, आइए मेरे साथ। हुसैन बेग ने कहा, नहीं, मैं आधे घंटे के लिए अंदर जाने के बजाय सारी रात यहीं खड़ा रहना आसान समझता हूँ, मुझे डर है कि अंदर जाकर किसी का गला घोंट दूंगा। मुअज्जम अली ने देवड़ी में जमा होने वाले मुसल्लह रजाकारों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम दरवाजा बंद कर दो और मेरे साथ आओ। रजाकारों ने उसके हुक्म की तामील की। मुअज्जम अली मूसलाधार बारिश में हवेली के अंदरूनी सहन की तरफ बढ़ा। हुसैन बेग कुछ देर तजब्जुब की हालत में खड़ा रहा, फिर भागता हुआ उनके साथ जा मिला। रिहायशी मकान के बारामदों और कमरों में एक तूफान हशर बरपा था। हुसैन बेग के नौकर जगह जगह मशालें लिए खड़े थे। मुअज्जम अली बरामदे में दाखिल हुआ और दोनों हाथ बुलंद करके चिल्लाया, खामोश खामोश। बारामदे में इसके पास चंद लोग खामोश हो गए, लेकिन मकान के बाकी हिस्सों में चीखते चिल्लाते इंसानों के हुजूम को उसकी आवाज मुतासिर न कर सकी। मुअज्जम अली ने हुसैन बेग की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, आप ऊपर जाकर देखें, अगर बालाई मंजिल में जगह है तो औरतों और बच्चों को वहां भेज दिया जाए। हुसैन बेग ने जवाब दिया, बालाई मंजिल पर औरतों और बच्चों के लिए काफी जगह है, लेकिन मर्दों की बदतमीजी देखकर मैंने सीढ़ी के दरवाजे पर ताला लगा दिया था,
वो औरतों और बच्चों से पहले वहां पहुंचना चाहते थे। आप ताला खोल दें, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तुम पहले तसल्ली कर लो, वरना ये दरवाजा खुलते ही भेड़ियों के रेवड़ों की तरह ऊपर भागने की कोशिश करेंगे। खुदा के लिए इन्हें खामोश करो, वरना मैं वाकई किसी का सर फोड़ डालूंगा। ये अभी खामोश हो जाएंगे। मुअज्जम अली ने एक रजाकार के हाथ से बंदूक ली और सहन की तरफ मुंह करके हवा में फायर कर दिया। एक सानिये के अंदर अंदर हर गोशे में सन्नाटा छा गया। मुअज्जम अली ने लोगों की बदहवासी से फायदा उठाते हुए बुलंद आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, अभी दुश्मन कई मील दूर है और सुबह देर तक मुर्शिदाबाद पर हमले का कोई खतरा नहीं। हमने तुम्हारी हिफाजत का पूरा इंतजाम कर रखा है, लेकिन मुझे डर है कि अगर तुम्हारी अफरा तफरी का यही आलम रहा तो तुम्हारे मुहाफिजों के लिए ये चीख पुकार और ये बदनज़मी दुश्मनों की गोलियों की निस्बत ज्यादा खतरनाक साबित होगी। मैं तुम्हें चंद जरूरी हिदायत देना चाहता हूँ और साथ ही ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी ने मेरी हिदायत की खिलाफ वर्जी की तो उसकी हिफाजत हमारे जिम्मे नहीं होगी, हम उसे हवेली से बाहर निकाल देंगे। मेरी हिदायत ये है, वो तमाम आदमी जिनकी उम्र 50 साल से कम है फौरन बाहर निकल आए, उन्हें बैरूनी सहन की कोठरियों में जगह दी जाएगी। ख्वातीन जिनके साथ कम सिन बच्चे हैं बालाई मंजिल के कमरे में चली जाएं। बड़ी उम्र के लड़के और उम्र रसीदा या बीमार लोग दीवान खाने के कमरों और बरामदों में पनाह ले सकते हैं। जिन ख्वातीन को बालाई मंजिल के कमरों में जगह न मिल सके वो निचली मंजिल के बाकी कमरों में रहें। हमले के वक्त जो लोग लड़ने के काबिल हों और जिनके पास कोई हथियार हो वो रजाकारों के साथ शामिल हो जाएं और बाकी यहाँ आ जाएं। अगर बारिश थम गई तो वो अंदरूनी सहन के मोर्चों में पनाह ले सकेंगे, वरना बारामदे और निचली मंजिल के कमरों में उनके लिए काफी जगह होगी। 10 मिनट के बाद मैं मकान के तमाम कमरों का मुआयना करूंगा। अगर मुझे मालूम हुआ कि किसी ने जानबूझकर मेरी हिदायत पर अमल नहीं किया है तो उसे किसी अच्छे सलूक का मुस्तहिक नहीं समझा जाएगा। आध घंटे के बाद तमाम मशालें बुझा दी जाएंगी। मैं आपको तसल्ली के लिए फिर एक बार ये ऐलान करता हूँ कि सुबह तक हमले का कोई खतरा नहीं। आप अपनी जगह आराम से लेटे रहें। इस वक्त हमारी सारी तवज्जो हवेली के दिफाई इंतजामात पर सर्फ होनी चाहिए और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप बिला वजह हमें परेशान नहीं करेंगे। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हवेली में मुकम्मल सुकून था और मुअज्जम अली हुसैन बेग से कह रहा था, चचा जान, अब आप ऊपर जाकर अपने कमरे में आराम करें। हुसैन बेग ने जवाब दिया, बेटा, मैं सिर्फ शोर से घबराता था, अब मुझे आराम की जरूरत नहीं। मैं रजाकारों के साथ बाहर की फसील पर पहरा देना चाहता हूँ। अगले दिन 10 बजे के करीब मीर हबीब की क्यादत में मरहटों का एक लश्कर मुर्शिदाबाद के मजाफात में लूट मार कर रहा था। हमलावर फौज के एक दस्ते ने हुसैन बेग के महल्ले में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन गली के मोर्चों से गोलियों की बौछार ने उन्हें पसपा होने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर बाद चंद और दस्ते आ गए और उन्होंने एक गली के नाके के आस पास चंद मकानात की छतों पर कब्जा करके रजाकारों को पीछे हटा दिया और महल्ले के अंदर दाखिल हो गए। महल्ले की गलियों और मकानात खाली देखने के बाद उन्होंने हुसैन बेग की हवेली की तरफ तवज्जो की और डेवड़ी के दरवाजे पर हमला कर दिया। अचानक डेवड़ी की छत और फसील के मोर्चों से गोलियां बरसने लगी और वो गली में चंद लाशें छोड़कर आसपास के मकानात में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इस अरसे में मरहटों के एक और दस्ते ने दूसरी तरफ से फसील के एक हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हवेली के मुहाफिजों ने उसे भी मारकर पीछे हटा दिया। कोई 1.5 घंटा वो आसपास के मकानात की छतों पर लेटकर गोलियां चलाते रहे। इतनी देर में उनके कई और साथी इस महल्ले में जमा हो चुके थे। मरहटों ने अचानक मशरिकी सिमत में हवेली के करीब 1-2 मंजिला मकान की छत से फायर शुरू किए तो इस तरफ फसील के मुहाफिज उनकी गोलियों की जद में थे। चंद रजाकार जख्मी हुए और बाकी बुलंदी से आने वाली गोलियों की जद से बचने के लिए मोर्चों में दुपक गए। मरहटों के चंद दस्तों ने इस सूरत हाल से फायदा उठाया और अचानक गलियों और मकानों से निकलकर फसील के एक हिस्से पर धावा बोल दिया। उनके चंद आदमियों ने फसील के साथ बांस की सीढ़ियां खड़ी कर दी
और आन की आन में कोई 50 आदमी फसील पर पहुंच गए। फसील के मुहाफिज आस पास के मोर्चों से निकलकर इस तरफ बढ़े, लेकिन मरहटों की बढ़ती हुई तादाद के सामने उनकी पेश न गई। चंद मिनट दस्त बदस्त लड़ाई के बाद मरहटे फसील के मशरकी हिस्से पर काबिज हो चुके थे और हवेली के मुहाफिज सहन में जमा होकर उन्हें नीचे उतरने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। मुअज्जम अली देवड़ी की छत पर खड़ा ये मंजर देख रहा था, अचानक उसने एक रजाकार से कहा, पसपाई के लिए नक्कारा बजा दो। रजाकार ने उसके हुक्म की तामील की और बैरूनी फसील के मुहाफिज नक्कारे की आवाज सुनते ही अपने अपने मोर्चे छोड़कर अंदरूनी सहन के दरवाजे की तरफ भागने लगे। मशरकी दीवार के नीचे लड़ने वाले रजाकारों को पीछे हटता देखकर मरहटे उन्हें घेरे में लेने की कोशिश कर रहे थे। मुअज्जम अली जल्दी से नीचे उतरा और 8-10 नौजवानों के साथ मरहटों पर टूट पड़ा। इस हमले की शिद्दत ने मरहटों को चंद कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और रजाकार एक मुनज्जम तरीके से पसपा होने लगे। मरहटों ने अपनी फतह यकीनी समझकर चंद आदमियों के बच निकलने को ज्यादा अहमियत न दी और उन्होंने आगे बढ़कर देहुड़ी का दरवाजा खोल दिया। तकरीबन 800 मरहटे सैलाब के रेले की तरह बैरूनी हिस्से में दाखिल हुए, लेकिन इस अरसे में अंदरूनी और बैरूनी चार दीवारों के दरमियान का वसी अहाता हवेली के मुहाफिजों से खाली हो चुका था। मरहटा लश्कर का एक सरदार चिल्लाया, बहादुरों हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त है, दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो जाओ। सिपाहियों ने किसी तवक्कुफ के बगैर उसके हुक्म की तामील की, लेकिन चंद सानिये बाद वो अपने साथियों को खंदक में गिरता देखकर इंतहाई बदहवासी की हालत में चिल्ला रहा था, ये मकान नहीं किला है, हमने मुफ्त में अपनी जानें गंवाई हैं, दरवाजे की तरफ बढ़ो। अंदरूनी सहन का दरवाजा मरहटों के बेपनाह हुजूम ने एक ही धक्के में तोड़ दिया। वो फतह के नारे लगाते हुए एक मेले की भीड़ की तरह आगे बढ़े। अंदरूनी दरवाजे और रिहायशी मकान के दरमियान कुशादा सहन के वस्त में निस्फ दायरे की शक्ल में एक खाई थी जिसके दोनों सिरे खंदक से मिले हुए थे। इस खाई के अंदर 60 रजाकार अपने नौ उम्र सालार की आवाज के मुंतजर थे। खाई के पीछे दो छोटे छोटे खेमों के अंदर तोपें नसब थी जिनका रुख दरवाजे की तरफ था। हमलावर लश्कर का सरदार खाई से चंद कदम के फासले पर दोनों हाथ बुलंद करके चिल्लाया, ठहरो, और मरहटों का हुजूम रुक गया। मरहटे सरदार ने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, अब मुकाबले से कोई फायदा नहीं, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि हथियार फेंक कर मोर्चों से बाहर निकल आओ, वरना हम एक आदमी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं कि इस महल्ले के तमाम लोग इस मकान में जमा हैं। अगर तुम अपनी औरतों की इज्जत और बच्चों की जानें बचाना चाहते हो तो हथियार डाल दो, वरना। सालार अपना फिक्रा पूरा न कर सका, मकान की छत से बंदूक चलने की आवाज आई और वो लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके साथ ही सहन और बारामदे के मोर्चों, मकान की छत और खिड़कियों से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। मरहटे तैश में आकर चंद कदम आगे बढ़े और फिर उल्टे पांव दरवाजे की तरफ भागने लगे। अचानक यके बाद दीगरे तोपों के दो खौफनाक धमाके सुनाई दिए और लोहे के बेशुमार टुकड़ों ने दरवाजे के सामने कई गज तक लाशों के ढेर लगा दिए। तू जाहिदे वतन, तू है काहिदे समन, तू बहार की खबर, तू है रौनक-ए चमन। तेरी नजर बंदियां ये सभी अज़ियतें, मत दे गई उन्हें तेरी इस्तकामतें। तुझको किस कदर है दी मेरे रब ने इज्जतें, तू अंधेरी शब में है एक उम्मीद की किरण। पेशकश रहबर टीवी।